वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स संडे मॉर्निंग और आज का दिन, आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। रांची का मौसम तो ऐसे ही बहुत ऑसम होता है, बट आज की जो बात है ना, आप खुद ही देख लो। मज़ा आया, और भी मज़ा आने वाला है आज के दिन, क्योंकि आज वेदर ज़बरदस्त है और आज हम लोग जाने वाले एक बहुत ही ऑसम जगह, जहाँ पे मैं बहुत पहले कभी गया था बचपन में, काफ़ी दिनों से गया नहीं हूँ, बहुत दिन से सोच रहा था मैं जाऊँ और फाइनली आज मैं जाने वाला हूँ। और सारी तैयारी मैं कल से कर रहा हूँ, आई मीन पिछले हफ्ते से कर रहा हूँ कि इस हफ्ते मुझे जाना ही है। सो बस अभी हम लोग फटाफट से पैकिंग वैकिंग करता हूँ, रेडी होता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। एक बात, बिल्कुल मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और अभी ये गोप्रो का सेटअप है जो मोटो ब्लॉग कैप्चर करेगा। सो गाइस, कैमरा रेडी, पावर बैंक रेडी, माउंट्स रेडी, फ़ोन तो रेडी है ही, तो चार्जर भी लेकर रखा हुआ एक्स्ट्रा में अगर ज़रूरत पड़े तो और कुछ लेना नहीं है। उन्होंने बट एक चीज़ तो भूल ही गया, ये 3CD का सनग्लास, इसके बिना वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। और एक दूसरे यूट्यूबर का फ़ोन भी आ गया, आकाश का। हाँ आकाश। हाँ भैया। कहाँ पे हो? हम फिलहाल पहुँच गए, वो हम बोला हमको टेम्पो समझ नहीं आया, इसीलिए हम फिलहाल आ गए। लालपुर जाने का रास्ता पता है ना? ये है लालपुर चौक और आकाश भाई साहब वहाँ पे हैं। आकाश कैसा? 300 रुपये में फुल हो जाता है एक्टिवा। उसके बाद एटलीस्ट 30 किलोमीटर और हो यहाँ से और हम लोग पहुँच जाएंगे हंड्रू फॉल। मेरे साथ है दूसरे एक और यूट्यूबर जिसको आपने दुर्गा पूजा ब्लॉग में देखा होगा, आकाश। सो आकाश, पहले हम लोग मिल चुके थोड़ा देर पहले, बट अभी तो हम लोग खेलगांव क्रॉस किए, अभी जर्नी स्टार्ट ही है, तो चलो बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग को पूरा देखना। तो जस्ट बने रहे हमारे साथ, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारी आज की सवारी है, तो पता ही होगा आपको, नज़ारा देखो यार, मौसम नज़ारा है यहाँ पे, हाल है तो हंड्रू फॉल में पता नहीं कैसा नज़ारा होगा। मुझे वापस मुड़ना पड़ा। गाइस लुक एट द व्यू। देख रहे हो, है ना मजेदार? अरे भाई साहब, ऊपर आसमान देखो, सूरज, क्या चाहिए, व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम नेचर। जबरदस्त। अबे जंगल की जर्नी स्टार्ट हो गई है। भाई आ गया हंड्रू फॉल, बस हंसते खेलते हम पहुंच गए और ये बहुत ही ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे। गाड़ी पार्किंग किधर है? इधर जाना होगा। थैंक यू, आराम से रहिए। हाँ दोनों टाइप के कर लेना और यहाँ भी चेक होगा। गाइस हमने टिकट ले लिया है यहाँ पे, 2 जन का 26 रुपीज़ पड़ा हमको टिकट, तो पार्किंग वार्किंग सब मिलके हो गया 26 में। ऑसम, झारखंड पर्यटन में आपका स्वागत है। छत पे पार्किंग कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है दोस्तों, नज़ारा देखो, आसमान, पहाड़, पर्वत, पार्किंग, आकाश, मैं, ब्लॉगर विश। गाइस तो यहाँ से हम लोग, आप मुझे देख नहीं पा रहे हो बट मुझे सुन पा रहे होगा, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं राइट। तो ये नीचे का व्यू है, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे सीधा, नीचे से पूरा व्यू है और उन्होंने बोला क्रॉसिंग है, तो नीचे हम लोग इस पॉइंट से उस पॉइंट जा सकते हैं। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हर टूरिस्ट प्लेस की तरह यहाँ भी चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। एक चिप्स का पैकेट जो 25 रुपए का मिल रहा है, तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं है। फिर हम चलेंगे नीचे, तो नीचे चल के देखेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं हंड्रू फॉल, और बहुत ही अभी तक का जर्नी बहुत ही औसम तरीके का रहा है, बहुत अच्छा रहा है। Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the खतरनाक रास्ता है, इस पर चलना है। गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और जहाँ से बेस्ट पॉसिबल व्यू होगा वहाँ लेके चलते हैं आपको। रिस्की तो है यहाँ पे जाना, भाई जूता स्लिप हो रहा है, संभाल के। ये जो वाटरफॉल की जो हाइट है ये 322 फीट से गिरता है ऊपर से नीचे। यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए ज़्यादातर आते हैं, मैंने बहुत पहले कभी बार आया था पिकनिक करने के लिए, बहुत टाइम हो गया आया हुआ। तो आसपास यहाँ पे लोग आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, म्यूज़िक आप सुन ही रहोगे आसपास, बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है। सो फेस्टिव माहौल सा यहाँ पे होता है हमेशा। अरे भाई आराम से, क्या कर रहे हैं हो सकता है आपके साथ? मैं आ गया हूँ हंड्रू फॉल के नीचे बिल्कुल। यहाँ से सारा जो मेन व्यू है हंड्रू फॉल का आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़े से अपने ट्रैकिंग स्किल्स होने चाहिए जब आप ट्रैकिंग कर सको, ताकि थोड़े पत्थर वगैरह आपको मानने पड़ेंगे यहाँ पर। और शूज़ हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहनना, ताकि स्पोर्ट्स शूज़ या फिर ऐसा शूज़ जिसका ग्रिप अच्छा हो, खासकर पत्थर पे, क्योंकि यहाँ स्लिपरी बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गिर सकते हो। तो थोड़ा रिस्की है यहाँ पे, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो बिल्कुल आपको पूरे गियर के साथ आना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी मेजर्स के साथ आना चाहिए। और बहुत से यहाँ पे डेंजर जोन है, बहुत सारे एरिया है, वहाँ पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और पहले भी हो चुका है, काफ़ी यहाँ पे डेथ्स होती रहती है। सो थोड़ा सेफ रहना ज़रूरी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर यहाँ से, थोड़ा खाना भी खा लेंगे, भूख भी लगी है, एंड देन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर से जो व्यू है वो कैप्चर करने का। तो चलते हैं ऊपर, आइए बेहतर सर।
सावधान, खतरों जगहों पर ना जाएं, खतरे वाली जगहों पे ना जाएं। हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे खाना वाना बन रहा है लोगों का। यो अब खा पी के घुमाए भैया। गाइस अभी हम जा रहे टॉप पे, नीचे का सारा हो गया नजारा। गाइस जो ऊपर जा रहे हैं तो भूख इतनी जोर की लगी है, तो सुबह एक ब्रेकफास्ट किया, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला था घर से। अभी ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले। आकाश भूख लग रही कि नहीं लग रही? बहुत। वो चल रहे ऊपर, ऊपर चले कुछ खाते हैं। अभी तो सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है, क्यों तेने पता नहीं चला? ऊपर जाने में बैंड बजने वाली। हम लोग अभी इधर हैं, यहाँ से हमको पूरा ऊपर जाना है, उधर जाना है पूरा ऊपर तक, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में अपनी पार्ट लगने वाली है। बड़ा ले ले, सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो मर्डर हो जाएगा। चलो ठीक है, चल। गाइस नींबू पानी पी के जो फील आया ना, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा। बहुत पहले भी हमने नींबू पानी बहुत पी, अक्सर पीते हैं, वो तो फील नहीं आया क्योंकि इतना थके कभी होते नहीं है। और इतने थकने के बाद जो नींबू पानी पीने के बाद जो फील आया ना, लग रहा है कि अमृत पी लिया। तो हंड्रू फॉल के ऊपर आ चुके हम लोग। ये गोप्रो है, हाँ। एक्शन कैमरा है, सर नहीं है। कूल। 745 स्टेप्स, 745 स्टेप लोग चढ़ गया है। सो गाइस अभी हम लोग सारा घूमना फिरना हो चुका है और बहुत थोड़ी थकान हो गई है, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। खाना खाने के लिए छोटे से होटल में आए हम लोग, तो खाना यहाँ पे लगा हुआ है और आकाश भी खाने के लिए रेडी है, खाना वाना खाते हैं फिर चलते हैं वापस।